जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह का असर हुआ है हमारे इस अपील का। जी हां, गोरखपुर न्यूज चैनल की अपील का असर इतना जबरदस्त हुआ है कि जिसका नतीजा हम लोगों ने खुद भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। लगातार हमारे पास लोग वोट करके, मतदान करके अपनी सेल्फीज भेज रहे हैं। हमको अपने अलग स्टाफ यहाँ पे मंगाने पड़ गए। आज इतना ज़्यादा यहाँ पे सेल्फीज आने लगी, फिर हम लोग ने चाहा कि हर आदमी को जो भी सेल्फी भेजा है उसकी सेल्फी हम अपने स्क्रीन पे उसको जगह दें, लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से गोरखपुर न्यूज़ चैनल का पूरा परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। हमेशा इसी तरह से मतदान करते रहें। गोरखपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान अधिक से अधिक हो, इसके लिए जहां एक ओर गोरखपुर जिला प्रशासन ने गत दिनों कई मुहिम चलाई, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर न्यूज चैनल ने अपने लोकतांत्रिक और मीडिया धर्म को समझा और इसकी एक अनोखी पहल जिसके नतीजे से गोरखपुर न्यूज खुद भी हैरान हो गया। हमने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील की थी कि आप वोट करें और वोट करने के बाद अपनी सेल्फी हमारे पास भेजें, हम उसे निश्चित रूप से अपने चैनल पे जगह देंगे और आपकी सेल्फी को पूरे गोरखपुर महानगर में जहां जहां तक हमारी पहुंच है वहां वहां तक फैलाएंगे। हमारी इस अपील का असर ऐसा हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते थे, चंद ही मिनटों में मतदान करके तुरंत लौटे लोगों ने अपनी अपनी सेल्फी हमारे चैनल के विशेष व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी शुरू कर दी। हमारा प्रयास था कि जिसका आपका भरपूर साथ मिला, यही लोकतंत्र की खूबसूरती का नायाब नमूना है। आप लगातार चैनल और यूट्यूब के माध्यम से अपनी तस्वीरें देखकर यह सोच रहे होंगे कि आपका किया हुआ यह मतदान जहां एक ओर लोकतंत्र को मजबूती देगा, वहीं आपकी यादों में हमेशा के लिए शुमार हो जाएगा कि हमने भी वोट किया था। हमने आपसे अपील की थी कि घर में ना बैठें, वोट देने जाएं, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने कुछ ही सालों में घर से निकलकर अपने बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का फैसला लिया और अभियान में साथ दिया और पोलियो नामक बीमारी लगभग हमारे भारत से अलविदा कहकर चली गई, ठीक उसी तरह से 11 मार्च को घर ना बैठकर आप लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में जो अपनी भागीदारी निभाई है उसके लिए आप अपने आप को खुद धन्यवाद करेंगे। लोकतंत्र को अगर ताकतवर बनाना है तो ऐसी अपील और ऐसे ही जागरूकता की जरूरत है। गोरखपुर न्यूज़ ने अधिक से अधिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए यह एक नायाब तरीका अपनाया, क्योंकि गोरखपुर न्यूज़ ने इसे अपनी जिम्मेदारी माना और जिसका नतीजा उम्मीद से भी ज़्यादा नज़र आया। लोगों ने सेल्फी मिशन में इस तरह से भागीदारी ली कि हमें अपने कंट्रोल रूम में अलग से स्टाफ बुलाने पड़े ताकि आपके इस प्रयास को हम अधिक से अधिक अपने टीवी पर जगह दे सकें। ऐसा कोई भी सेल्फी भेजने वाला हमें यह नहीं कह सकता कि हमने उसकी सेल्फी को अपने स्क्रीन पे जगह नहीं दी। लोकतंत्र की खूबसूरती को निखारने का सोशल मीडिया किस तरह से एक यंत्र साबित हो सकता है, यह हमने आपको करके दिखाया है। इसके साथ ही हम एक बार और अपने दर्शकों को यह भी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने घरों में बैठकर पैर फैलाए इजी चेयर पर यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि देश का कुछ नहीं हो सकता। वो लोग जो आज मतदान नहीं किए हैं, हम जानते हैं आम आदमी को घर चलाना होता है, इसीलिए हम देश चलाने के लिए अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और यही चुनने का अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है। इस पर भी अगर हम मतदान वाले दिन छुट्टी मनाकर अपने घरों में या फिर कहीं और
निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ये हमारे अधिकार की तौहीन है। और ये तौहीन है उस 18 साल के व्यक्ति की जिसे भारतीय होने पर गर्व तो है, लेकिन भारत निर्माण में वह अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये तौहीन है उस हर कामकाजी महिला और पुरुष की जो घंटों अपने घरों को चलाने के लिए काम तो करते हैं, लेकिन देश को चलाने वाली तंत्र के लिए अपना एक वोट भी नहीं दे सकते। हम सलाम करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे इस चैनल के माध्यम से की गई अपील पर मतदान किए और उसके बाद अपनी सेल्फियां भी हम तक पहुंचाईं। लोकतंत्र के इस त्यौहार पर अपनी भागीदारी के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इसी तरह की अपील का असर आने वाले समय में भी ज़रूर पड़ेगा।